और ये हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज गेट के अंदर मेन गेट पास। आगे आप देख रहे हैं वो है मेन गेट, देखिए ये है मेन गेट, इधर है सीआरपीएफ कैंप और इधर है जीएनए कॉलेज। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप ये तो फील्ड देख रहे हो। आज आप देख रहे हैं हम कहाँ पे खड़ा हैं, ये जीएलए कॉलेज है जो कि डाल्टनगंज का बहुत ही फेमस पलामू, डाल्टनगंज नहीं आप इसको पलामू ले लीजिए, अगर देखा जाए तो झारखंड में भी इसका बहुत बड़ा ये कॉलेज है। और देख रहे हैं आप ये सब डिपार्टमेंट वाइज सब ब्लॉक बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट और ऊपर में अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट है, और आप पीछे साइड ये अगर देखते हैं तो इधर मैथमेटिक्स और इंग्लिश डिपार्टमेंट है। आप सी ब्लॉक, ये ब्लॉक सी है, इसमें आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट है और जियोग्राफी का भी डिपार्टमेंट यहीं पे है और बायोटेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट यहीं पे है। अब आप आ जाइए इस साइड, इस साइड ये ब्लॉक डी है, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। अब आप इस साइड एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये एनसीसी ऑफिस एनएसएस ऑफिस यहाँ पे है और यहीं पे अगर फॉर्म कोई भी भराता है तो यहाँ पे ये जो पतले से गली दिख रहे हैं इसमें लाइन लगता है सब कोई, और उधर काउंटर बना हुआ है जहाँ से रसीद वगैरह कटता है, और ऊपर में ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, बीसीए डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बीसीए का क्लास खुली चलता है, ये जो ऊपर खुला हॉल देख रहे हैं यहाँ पे सारे बीसीए लोग का क्लास चलता है। हालांकि ये डिपार्टमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, उधर भी पीछे साइड फैला हुआ है और उसके पीछे भी डिपार्टमेंट का क्लासरूम बना हुआ है, और आप इसके ऊपर देख रहे हैं जितने भी सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये सोलर पैनल यहाँ पूरे कॉलेज को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती ही है, साथ ही साथ यहाँ का जो पावर है वो ग्रिड में भी जाता है और इसका अहम रोल है, क्योंकि इसके वजह से पूरे कॉलेज में कभी भी लाइट कटने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, 24 आवर लाइन यहाँ पर अवेलेबल होता है इस कॉलेज में, और काफ़ी हरा भरा है। और हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस से पता है, और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, और किसी का भी अगर फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन यहीं पे कराया जाता है, यही काउंटर है। और यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म ले सकते हैं, और बगल में फ़िल्टर मशीन लगा हुआ है, अगर आपको ठंडा चिल्ड वाटर पीना है सप्लाई वाटर तो वहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग यहाँ से वन लें। और इधर हिंदी डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह है, और जो आप वो सामने देख रहे हैं वो मेन गेट है कॉलेज का, मेन गेट एंट्री गेट वहीं से होती है, और वहां से सीधा हम लोग आते हैं प्रिंस के पास, दिखाते हैं वहां का सीन। गेट से सीधा आने के बाद हम लोग सीधा यहां पे आते हैं, ये पोर्टिको देख रहे हैं यहां निकला हुआ है, इसके नीचे हम लोग आते हैं, और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है और कुछ स्टाफ का अंदर रूम वगैरह है, स्टाफ लोग यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं। जस्ट प्रिंसिपल ऑफिस से आगे बढ़ने के बाद ये कॉलेज का जीएलए कॉलेज का लाइब्रेरी है, और इसके बगल में यहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल है, सारे बुक्स यहाँ पे मिल जाते हैं कॉलेज में। लाइब्रेरी के जस्ट बगल में एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह भराता है तो वेरीफाई करने लोग इधर आते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्टेज है, चूँकि यहाँ पे अभी कोविड के कारण ये कॉलेज बंद काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो घास फूस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हालांकि अब कॉलेज खुल चुका है तो इसका सफाई होगा, और यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो यही स्टेज तो सामने होता है, काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है, उधर साइड भी काफ़ी स्पेस है, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। और कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है जो वो थोड़ा बाहर में है, कॉलेज का जस्ट बाहर में है, SBI बैंक के पास है, हम लोग उसको दिखाएंगे बाद में कभी दिखाएंगे, अभी तो उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को आज पौधारोपण करना है, 10-20 पौधे हम लोग लाए हुए हैं कॉलेज को, कॉलेज में लगाते हैं चारों तरफ। और ये जो आप बहुत सारे पौधे लगे हुए देख रहे हैं हम लोग का ये है, और आप ये जो पेड़ पौधा देख रहे हैं ये सब लगाए हुए हैं NCC कैडेट के द्वारा, NCC के छात्रों के द्वारा यहाँ पे ये सब लगाया गया है, जितने भी हरा भरा दिख रहा है।
चूँकि इस कॉलेज में उतना ये नहीं है, यहाँ के रहता है उतना, फिर भी कुछ एनसीसी के द्वारा ये सब कॉलेज प्रांगण को काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन बना के रखे हैं, और अभी भी प्रयास जारी है कि और अच्छा इसे बनाया जाए, पूरा ग्रीनरी लगे कॉलेज, हरा भरा, पर्यावरण शुद्ध और फ्रेश हवा मिले, ताकि बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आए, क्लासरूम में बैठे तो इंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पढ़ाई करें। अगर वातावरण सही है तो आपको पढ़ने में भी मन लगे, अगर बाहर आप देखते हैं खुला हरा भरा चीज़ तो मन को बहुत फ्रेशनेस फील होती है। और हम लोग यही देख रहे हैं और आगे भी कुछ लेके जाते हैं। छोटा सा जियोलॉजिकल गार्डन है इस कॉलेज के अंदर में, पीछे साइड कॉलेज प्रांगण में ही है, आपको हम वो गार्डन दिखा रहे हैं कैसा है, काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा मेंटेनेंस का कमी है, जो कि धीरे धीरे एनसीसी छात्रों के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं गार्डन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और वो क्या बोलते हैं वो औषधियुक्त भी पौधे इसमें अवेलेबल है। हम लोग इधर उधर जगह जहाँ अच्छा स्पेस मिले उस जगह पर हम लोग लगाएंगे बारी बारी करके पौधा को। और ये जियोलॉजिकल गार्डन में हम लोग आ चुके हैं, हालांकि यहाँ पे घास काफ़ी जम चुका है क्योंकि कुछ दिनों से, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, और इधर थोड़ा बारिश का भी टाइम है तो बारिश में घास फूस हो ही जाती है हर जगह। फिर भी हम लोग देखते हैं इसको आज साफ उफ करने का प्रयास करते हैं जितना हो पाता है, और कुछ यहाँ पे पौधे वगैरह लगाएंगे। और ये सब आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधा है, और यहाँ पे ये औषधि युक्त भी पौधा ये सब लगे हुए हैं। ये जो यहाँ पे है औषधि युक्त, बहुत सारे इसमें पौधे हैं जो औषधि युक्त है, हालांकि घास फूस ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा है। इसको अभी देखा जाता है कि पूरा क्लीन, ये भी फूल है, गेंदा का फूल है इधर, ये गेंदा का फूल है, ये अब हो ही चुका है इसका लगभग, ये फूलने का, फूलेगा ही, समय आ रहा है इसका। काफ़ी यहाँ पे इसका जो सुगंध काफ़ी मज़ेदार आ रहा है, एकदम क्या कहा जाए, दिल को ये कर जा रहा है। ये आप देख रहे हैं क्या नाम है इसका, ये सब पौधा के देखा, खाली पौधा